सुप्रभात सत्यम शिवम सुंदरम। भाग 11। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करे चेहरे की सुंदरता के साथ। यदि सत्य सात्विकता हो तो सोने पर सुहागा की तरह हो जाती है, लेकिन यदि उस सुंदरता के साथ दुर्गुण तामसिकता जुड़ी हो तो वह सुंदरता भी निरर्थक हो जाती है। यदि कुरूपता हो और मन सुंदरतम हो तो कुरूपता भी सुंदरतम हो जाती है, क्योंकि विवाह के दौरान भी जो समझदार होते हैं लड़के लड़की के गुणों को भी देखते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक जीवन साथी सुंदर है तो दूसरा कम सुंदर है, एक काला है तो दूसरा गोरा है, जैसे कि अष्टावक्र कुरूप थे लेकिन उनके अंदर सत्य सात्विकता थी और सत्य ज्ञान रूपी सुंदरता के कारण ही राजा जनक ने उनका सम्मान किया था, उनका आदर किया था। इसीलिए सत्य पथ ही परम सत्य तक पहुंचाता है। सत्य पथ से ही मन शिव में होता है, सत्य शिव में अंतकरण चतुष्टय सुंदरतम बन जाता है, विकार रूपी जहर बाहर हो जाता है, माया का पर्दा उतर जाता है, सत्य रूपी अमृत अंदर भर जाता है। सत्य वह उज्ज्वल पक्ष है, सत्य वह प्रकाश है जिसके प्रकाशित होने पर तम रूपी अंधकार अदृश्य हो जाता है। लगातार 1, 2,